फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ, जो हमारे घर में बहुत यूज़फुल तो होती है पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है उसकी तरफ, या जाता भी है हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। वो है कुछ ऑर्गेनाइजर्स, डोरमैट्स, ये सब चीज़ें जो हमारे घर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर हमारे ध्यान से कहीं ना कहीं वो निकल जाती है। और अगर हम ऑर्गेनाइज करके ठीक से नहीं रखें चीज़ें तो ऑब्वियसली बिखर जाती है। और स्पेशली हमारे कपड़े, हमारे पास कितने भी ऑर्गेनाइजर्स हो फिर भी हमारे कपड़े हमेशा बिखरे हुए पड़े रहते हैं इधर उधर, कैसे तो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, फिर भी कपड़े ऑब्वियसली बढ़ते जाते हैं तो हमारा फैलता जाता है घर पूरा। इसलिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए हैं, कुछ मैट्स ऑर्डर किए हैं, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, आपकी हेल्प हो रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए मुड़ते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि क्या आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ये तो बताते हैं आपको कि क्या खरीदना चाहिए, क्या अच्छा चीज़ें आ रही हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम लोग कभी कभी लेकर रिग्रेट करते हैं। तो ऐसी भी कुछ आज की वीडियो में स्पेशली आज कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको आगे बताऊँगी मैं वो चीज़, ठीक है? तो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए मुड़ते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चीज़ है जो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो है साड़ी कवर, जो हर लेडीज़ के पास होती ही है फिर भी कम पड़ते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे साड़ी कवर, ब्लाउज कवर और जो होते हैं वो बहुत सारे थे, फिर भी मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर करके देखा कि कैसे हैं। तो मैंने ऑर्डर किए हैं ये बॉबी प्रिंट वाले, जैसे देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर के साड़ी कवर्स। और ये एक्चुअली मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था, पैक ऑफ सिक्स में आया है, जिसमें मैं ऑलरेडी कुछ में तो मैं कपड़े रख चुकी हूँ और कुछ खाली रखे थे आपको दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, ट्रेंडी लगते हैं। अगर आपको इसमें साड़ियाँ वगैरह रखनी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम छोटे मोटे कपड़े भी जो डेली यूज़ के हैं वो भी रख के हम साइड में ऊपर रख सकते हैं इसे, क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले जो ट्रेडिशनल साड़ी कवर्स आते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं, जो हम लोग बेड के अंदर या फिर हमारे कबर्ड में रखते हैं, तो ये हम बाहर नहीं रख पाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। पर ये मैं मुझे देखकर बड़ा ट्रेंडी लगा कि ये हम बाहर भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिखने में बड़ा प्यारे लगेंगे। तो ये बहुत ही, दिखाती हूँ, ये पैक ऑफ सिक्स आया है मुझे, सिक्स का कॉम्बो मिला है। ये देखिए, इसका साइज़ इतना हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। इसकी लेंथ, विड्थ वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड दूंगी, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, उसमें सब होता है, लेंथ, जो विड्थ है, हाइट है, जो रहती है वो दिखेगी। तो मैक्सिमम मैंने पूरा सर्च करने के बाद ही ऑर्डर किया था सबसे बड़ा साइज़, तो ये इतना बड़ा साइज़ आता है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सामने दिया हुआ है ताकि हम भी जो भी उसमें रखें आपको इसमें से दिख सकता है, यानी हर बैग आपको खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर शीट रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं बोलूँगी ज़िप, पर ठीक ठाक क्वालिटी की है, अच्छी ज़िप दी गई है, ऐसे दो ज़िप्स हैं यहाँ पर जैसी होती है। और देखिए अंदर से काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेशियस है, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितना चीज़ें आती है। और इसका कपड़ा भी ठीक ही है, नॉट सो गुड, मुझे बहुत नहीं पसंद आया था, पर जो रेट है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा मिला है, तो मुझे तो ये वाला कॉम्बो बहुत पसंद आया। मैं और भी इसको ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्स से भी हमारा काम नहीं होता है, इसलिए मैं और ऑर्डर करूँगी। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट आपके लिए साड़ी कवर का कॉम्बो, और ये मुझे मिला है 306 रुपीज़ में। और मैंने ये सब प्राइस ड्रॉप चैलेंज जब आता है, हाँ मैंने ये सब मीशो, सॉरी मैंने बताना भूल गई, ये सब मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ही ख़रीदा हुआ है आपको बताने के लिए कि कैसे आया है। तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदा हुआ है, मुझे जब वो कुछ सेल आता रहता है बीच बीच में तब मैंने इसको ख़रीदा था, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला था, पर मैंने अभी भी चेक किया तो ये वही रेट में है, 306 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, पैक ऑफ सिक्स,
ठीक है। तो आप भी, अगर आपको भी लेना है तो आप चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी इसमें कितनी साड़ी आती है, मैं आपके सामने आपको डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये खाली है, देखते हैं साड़ियाँ। ये गई पहली साड़ी। अरे साड़ियाँ मेरी आप देख चुके हो वीडियो में, सिल्क साड़ी, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए मेरा वीडियो। सेकेंड साड़ी गई है, ये थर्ड साड़ी, और इसका साइज बहुत अच्छा है। फोर्थ साड़ी, फिफ्थ साड़ी, देख सकते हैं आप सिक्स्थ साड़ी, और ये सिल्क साड़ी मैं इसमें रख रही हूँ कि वो थोड़ी हेवी होती है। अगर आप जॉर्जेट या शिफोन रखेंगे वो तो और भी ज़्यादा इसमें आ सकती है। और इसकी लेंथ जो है, विड्थ बोल सकते हैं, नहीं जो ज़्यादा अच्छी है। तो आप एक साइड में देखिए, ऐसे दो साड़ियाँ भी फोल्ड करके रख सकते हैं, अच्छी खासी है इसकी। तो कितने हुआ, मैं काउंट भूल गई, हाँ तो मैंने काउंट कर ली है, सिक्स साड़ीज ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। ये है सेवन, हेवी हो गया, और है ये एट साड़ी, देख सकते हैं एट साड़ी मैंने जब डाली है तो कंफर्टेबली गई, और दो साड़ी इसमें आ सकती है, इसका मतलब आप 10 साड़ीज इसमें रख सकते हैं। मैं वो भी डाल के देख लेती हूँ, अगर आता है तो ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत हैवी हो जाए और फट जाए। तो नाइन्थ गई है मेरी एंड टेंथ, तो टेंथ ठीक है, उससे ज़्यादा आप इसमें भरने की कोशिश ना करें। तो टेंथ साड़ी तो आराम से आ गई है, देखिए देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से आ गई है। तो आप इसमें 10 साड़ीज रख सकते हैं, वो भी सिल्क की, अगर आपकी जॉर्जेट और शिफॉन की है तो और भी आ सकती है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉम्बो, ये दिखाने का ज़रूरत इसलिए था ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डाल के दिखाया कि इसमें कितनी साड़ीज आ सकती है। तो मुड़ते हैं अभी सेकेंड चीज़ की तरफ, जो है जैसे साड़ी के लिए हमें ज़रूरत होती है, वैसे सबसे ज़्यादा और एक चीज़ के लिए ज़रूरत होती है हमें, वो है बैंगल्स। जो हमारी बैंगल्स है उसके लिए बैंगल बॉक्स, तो ऑब्वियसली बॉक्सेस जो होते हैं वो बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं वो हम रखने में भी प्रॉब्लम होता है, और जनरल ऐसे ही एक इसमें रख दो तो वो मिक्स भी हो जाती है, और कांच की हो तो टूट भी जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी था, मुझे तो बहुत ज़रूरी था, मेरे पास बहुत सारे है बैंगल बॉक्सेस पर फिर भी मुझे कम पड़े थे। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे एक बहुत ही अच्छी डील मिली, जो है ये, इसमें मुझे दो मिले हैं, देख सकते हैं आप कॉम्बो मिला है, और ये मैंने थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन कलर में मंगाया हुआ है, देखिए इतना प्यारा बो लगा हुआ है इसमें, और इसमें सिक्स कंपार्टमेंट्स है, 1 2 3 4 5 सिक्स कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। और इसमें अब भी आपको देखिए यहाँ चैन मिलती है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको ऐसे मिल रहा है, गिर जाएगा, और इसमें आप कम से कम 4 dozen चूड़ी तो डाल सकते हैं। ये मैंने ट्राई करने के लिए बैंगल्स नहीं निकाली है, तो फिर भी आप इसमें 4 dozen तो डाल ही सकते हैं। तो कितनी बैंगल्स हो जाएंगी देखिए, अच्छी खासी बैंगल्स इसमें आ जाएगी। और इसका जो नीचे में दिया हुआ है ना, ये हार्ट शीट रखा हुआ है इसके नीचे, ये देखिए हार्ट शीट रखी हुई है ताकि आपके बैंगल को सपोर्ट भी मिले, और पूरा चैन से लॉक कर देंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा ऐसे, और अलग अलग कंपार्टमेंट भी दिए गए हैं इसमें, देखिए ऐसे, ये देखिए एक एक राउंड के बीच में एक कंपार्टमेंट ऐसे करके 6 दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसका, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसे नहीं कि क्लम्जी वाला नहीं है, अच्छा स्टर्डी क्वालिटी का है, ये स्टर्डी है, इसलिए ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। साड़ी कवर थोड़ा सा उसका कपड़ा मुझे थिन लगा था, पर ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, पर उस रेट के हिसाब से वो कॉम्बो भी अच्छा था। और ये वाला कॉम्बो मुझे मिला है 310 rupees में, पैक ऑफ 2। तो ये भी मैं बोलूँगी आपको कि ये भी बहुत ही अच्छी डील है, तो ये अभी आपको लेना चाहिए, इससे आपके बैंगल्स जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, और जब हमें चाहिए फटाफट हम निकाल कर पहन सकते हैं, वरना मैस में रहता है पूरा मिक्स रहता है तो उसमें हमें ढूंढने में भी टाइम लगता है, और बहुत सारे बैंगल्स ख़राब भी हो जाती है, जब जो वर्क वाली या स्टोन वाली बैंगल्स होती है वो जनरली उसके स्टोन्स निकल जाते हैं या ख़राब हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है।
तो ये हो गया सेकंड चीज। हम उठते हैं थर्ड चीज की तरफ जो कि है, बताती हूँ आपको, ये मैंने मैट्स मंगाए हैं। ये एक्चुअली डोर मैट्स है जो मैंने स्पेसिफिकली जो बाथरूम के बाहर बिछाने के लिए मंगाए थे, जो लिखते हैं ना कि नॉन स्किडी वगैरह जो होता है वैसे मंगाए थे, पर ये कुछ ऐसे आए हुए हैं। अगर मुझे फ़ोटो मिली तो मैं आपके इसमें वीडियो में कहीं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने फ़ोटोज़ तो कुछ और ही दी थी और आया एकदम ही अलग चीज़ है। डिज़ाइन तो आपको ठीक लग रही होगी पर इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देखिए ये इतना थिन है और इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं दिया है जैसे बाथरूम के बाहर बिछाने के लिए हमें चाहिए होता है ना, जिसे फिसले ना, थोड़ा ग्रिप वाला चाहिए होता है, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। ये बहुत ही हल्का क्वालिटी लग रहा है, इसलिए ये तो मैं रिटर्न में भेजने वाली हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। और ये पैक ऑफ टू था, कॉम्बो ऑफ टू, टू मुझे मिला है 223 रुपीज़ में, पर मुझे उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप मत लीजिए। इसीलिए यही चीज़ थी मैं जो बताना चाह रही थी आपको कि नहीं लेना चाहिए। तो ये वो चीज़ है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है। मुड़ते हैं अभी सेकेंड डोर मैट्स की तरफ जो है ये सिंपल बेसिक डोर मैट्स है, जो छोटे छोटे डोर मैट्स आते हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा है पर हमारे पैर आ जाएंगे, इतना है। और ये जनरली जो छोटी छोटी जगह पे जहाँ पर कहीं हमारा जैसे वॉश बेसिन के नीचे या कहीं होता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर थोड़ा गीला हो, उसके लिए मैंने ये मंगाया है, ताकि जो कपड़ा हम लोग डाल देते हैं वो गंदा दिखता है, उसकी जगह पे ये बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ बड़े भी नहीं हैं और दिखने में भी अच्छे दिखेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी बिछा कर भी। तो ये मुझे पैक ऑफ 5 मिला है, 1, 2, 3, 4 और 5th वाला मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे पैक ऑफ 5 मिले हैं और इसका प्राइस है 269 रुपीज़ में मुझे 5 मिले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डील थी और ये प्राइस ड्रॉप के दिन मैंने लिया था, तो शायद मुझे और थोड़ा कम मिला था। तो इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, उल्टा इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उससे। देखिए ये कॉम्बिनेशन में है, दो कॉम्बिनेशन में, और इसका अच्छा मोटा मोटा भी कपड़े से बनाए हैं जो बनाते हैं जैसे, और इसके कलर्स भी अच्छे हैं, ठीक ही है, नॉट बैड। इस रेट में तो ये बहुत ही अच्छा मिला है। तो ये है पैक ऑफ 5। तो ये भी बहुत ही अच्छी है डील, तो आप ये भी ले सकते हैं, पर इसका साइज़ छोटा है। अगर आपको छोटी छोटी जगह पे रखने के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, या फिर एज अ आसन बैठने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। और अच्छा क्वालिटी भी, मतलब मोटा है, अच्छे से बैठ सकता है, ऐसा है। तो ये हो गया सेकेंड मैट। और थर्ड मैट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैंने मंगाया है, वो है ये किचन के लिए मैट। ये मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा है पर देखने से तो अच्छा लग रहा है। ये भी पैक ऑफ 2 मैंने मंगाया था, देखते हैं कैसे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट वाला लग रहा है, पर ऐसा सॉफ्ट नहीं जिससे स्किड हो जाए या फिसल जाए। वाओ, इसके बीच में पेपर भी है, जैसे बताया मैंने कि मैंने ओपन नहीं किया है। ये देखिए ये पूरा वुडन लुक का है, और इसके पीछे आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही थिन है ये देखिए, पर ये रेक्सिन जैसा कुछ नहीं है। ऊपर जो है वो एकदम ही थोड़ा रफ पार्ट है जिससे स्किड नहीं होता, और पीछे देखिए आपको दिखेगा ये बबल बबल वाला है जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाएगा सरफेस पे। वाह, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे। देखते हैं बिछाने के बाद कैसे लगता है। और इसकी लेंथ अच्छी खासी है, देखिए मेरे दोनों हाथ मैंने फैलाए हैं फिर भी इतनी आ रही है, ठीक है। तो ये अच्छा है। और इसके साथ मुझे और एक चीज़ मिली है शॉर्ट वाला, इसमें भी पेपर है। वाह, ये बहुत ही क्यूट है ये देखिए शॉर्ट वाला पूरा कैमरे में आ रहा है, लॉन्ग वाला तो नहीं आया, देखिए वाह। तो ये बहुत ही क्यूट है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। और ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट यानी थोड़ा छोटा है, जो छोटी जगह पे आप बिछा सकते हो। ये जनरली ऐसे L शेप में बिछाने के लिए दिखा, अगर मुझे पिक मिली तो मैं आपको डाल दूँगी
ये ऐसा है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ऐसा एल सा शेप में आप बिछा सकते हैं, पर आपकी मर्जी, आपको जहाँ बिछाना है, क्योंकि सबके किचन के शेप अलग अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से बिछाइए। किचन में बिछाना है या कहीं और बिछाना है, आपके ऊपर है ये। पर ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस है 298 रुपीज़ में, मुझे इतना अच्छा क्वालिटी का मिला है, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। पर अब इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, पर ज़्यादा नहीं, 310 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम यही होता है ना, ये मीशो में चीज़ें आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम सिंगल सिंगल ऑर्डर कर पाते हैं, एकदम नहीं कर पाते, और हर चीज़ अलग अलग जगह से आती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। अदरवाइज़ अभी तक आपको उसी टाइम पर मिल भी जाता था, पर नहीं पॉसिबल है। तो यही चीज़ है कि अभी आपको ज़्यादा 10-20 रुपए ही ज़्यादा में मिल जाएगी, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको लेना है तो ये आप ले सकते हैं। ये मैं फुल्ली रेकमेंड करूँगी आपको कि आप ले लीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो बाकी सब चीज़ों के जो भी कोड्स है, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से देख कर ले सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, थोड़ा भी यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, उसकी आईडी भी मैं देती हूँ, और बेल आइकन भी बजा लीजिएगा, फ्री में है, कोई पैसे नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।